नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल रॉयल म्यूजिक ऑफ बेकपाइप पे। दोस्तों आज भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 15 नंबर स्केल। एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों कई दिनों से मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि यहाँ पर इवेंट चल रहा है, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आपके डिमांड भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ बुरा ना माने। और जल्द ही मैं आप लोगों का डिमांड भी पूरा करूँगा। आज के लिए दोस्तों मैं बजाने वाला हूँ 15 नंबर स्केल और हम धीरे धीरे करके सिखाएंगे। 15 नंबर स्केल का जो टाइम सिग्नेचर है 2/4 है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारीकी से हम ध्यान देंगे, पहले कदम में आपको बजाना है। देखिए पहले कदम में आपको बजाना है इतना ही, जी से ऐसे रखना है उंगली और ये लंबा तानना है जो जी है, तो उसके बाद ये दो नोट स्पीड करना है पहले कदम में, और दूसरा कदम में आपको रखना है कुए पर, दो कुए पर रहेगा, फिर से दो कदम हम बजाएंगे। चलिए देखा दोस्तों, पहले कदम में आपको बजाना है, दूसरे कदम में ये, अब हम तीसरा कदम सीखेंगे। देखा जैसे आपने पहला कदम में बजाया था वैसे ही आपको बजाना है तीसरा कदम भी, लेकिन ए से शुरू होगा। जो पहला कदम था वो जी से शुरू था, ये ए से शुरू करना है आपको। देखिए चलिए देखते हैं तीसरा कदम, देखा, और चौथा कदम ग्रेस भी देखिएगा दोस्तों मैं कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ। तीसरा कदम फिर से, चौथा कदम देखा। चलिए एक से लेकर चौथा कदम तक फिर से बजाते हैं। देखा अब हम पांचवा कदम बजाएंगे, देखा पांचवा कदम, और आपको छठा कदम बजाना है, इस तरीके से बजाना है। आशा है कि दोस्तों आपको ये पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर से पांच कदम तक हम बजाएंगे, ठीक है। हमने छह कदम तक बजा लिया, ठीक है, अब हम सातवा कदम सीखेंगे। फिर से सातवा कदम और सातवां और आठवां सीखेंगे। सातवां कदम आपको बजाना है, आठवां कदम, देखा दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप बारीकी से देखते हैं तो ये बजाने के लिए बहुत इजी पड़ता है। चलिए सातवां और आठवां हो गया, अब नौवां कदम हम बजाते हैं। देखा ये लंबा तानना है पहले का जो नोट होता है, देखा, और उसके बाद नौवां कदम, पीछे का ग्रेस भी देखिएगा मैं कैसे बजा रहा हूं, ठीक है। आठवां कदम, अब दोस्तों हम इसे दसवां कदम तक बजाएंगे रेगुलर, ठीक है। दसवां कदम तक हमने बजा लिया, अब हम ग्यारहवां कदम बजाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ग्यारहवां और बारह, फिर से ग्यारहवां, बारह, ठीक है दोस्तों, ग्यारह में बजाना है आपको, बारह में, इस तरीके से। चलिए फिर से बारह तक हम बजाएंगे, हाँ चलिए दोस्तों,
तक हमने बजा लिया, अब 13वां बजाएंगे, 13 कदम में इस तरीके से बजाएंगे, और 14 में देखा, 13 में फिर से ध्यान दीजिए, 14 में, अब हम 15-16, लास्ट 15-16 ही है, 15-16 बजाएंगे हम, ठीक है दोस्त। देखिए ध्यान से, और 16 कदम में बस इतना करना है, 15 कदम में आप क्या करना है, 16 कदम में इतना ही दोस्तों। चलिए हम 16 कदम तक शुरू से लेकर लास्ट तक स्केल नंबर 15 बजाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट देखिए 15-16, देखा दोस्तों, बहुत ही इजी है, अगर आप बारीकी से सीखते हैं तो बहुत इजी से बजा सकेंगे। ये स्केल बहुत ही मायने रखता है आपके जो बैगपाइप प्लेइंग में, आपको बहुत ही हेल्प करता है ये स्केल। अगर आप रेगुलर बजाते हैं तो आपके जो उंगलियां रहते हैं वो बड़ी आसानी से खुल जाता है और आप आसानी से कोई भी मार्च बजा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अगले वीडियो के साथ लौटूंगा, और फिर से मैं आपको सॉरी कहता हूँ कि थोड़ा इवेंट है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो के साथ लौटते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।